अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बन रहे हैं गर्मा गर्म ज़बरदस्त पराठे, और आपको तो पता है हमें आज जाना है दावत में, और हस्बैंड भी आज आ रहे हैं, उनको भी रिसीव करना है एयरपोर्ट से। तो यहाँ पे मैं जल्दी पराठे बना रही थी बच्चों के लिए और मेरे लिए। वैसे बच्चे तो सीरियल्स खा लेते हैं, वो पराठे शौक से नहीं खाते। ये पराठे तो मैंने अपने लिए बनाए हैं और अफ़ान के लिए। और आप मुझे बताएं कि किस किस को दूध रोटी पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं प्रेफर करती हूँ कि नाश्ते में मैं कभी ना दूध रोटी खाऊँ। और मेरे साथ ज़ियान, अफ़ान को भी बहुत पसंद है। ज़ियान और नमीरा बिल्कुल भी नहीं खाते, उन लोग को नहीं पसंद, लेकिन मुझे काफ़ी पसंद है। तो आप लोग में से कितने लोगों ने ट्राई किया है मुझे ज़रूर बताएं। और यहाँ पे देखिए अफ़ान, ज़ियान, नमीरा सब रेडी हो गए थे। यहाँ पे ज़ियान जो है किटन्स और कैट के लिए ना फूड फिल कर रहे थे वो, क्योंकि हम जाहिर सी बात है हम जाएंगे और पता नहीं कितना टाइम लगेगा हमको आने के लिए ना, तो इसी वजह से। और यहाँ पे हमारे अलावा जितने भी यहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो इन सारों को भी इनविटेशन आया था बर्थडे पार्टी का, तो ये सब सारे जाएंगे। और यहाँ पे बस हम निकलने के लिए रेडी थे, तो मैंने सोचा एक बार आपको मैं ड्रेस का लुक बता दूँ कि ड्रेस कैसा लग रहा है। आप मुझे बताएं आपको ड्रेस कैसा लगा। और ये बहुत प्यारा ग्रीन कलर है, ये बहुत ही अच्छा कलर है, और हर किसी ने यही तारीफ़ की कि ना बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे लगता है कि आपको वीडियो में इतना कलर समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत प्यारा ग्रीन कलर है। और यहाँ पे देखिए मैंने पैरों पे मेहंदी भी लगा ली, और आप मेरे पैर में पायल भी देख रहे होंगे। और इसके साथ मैंने मैचिंग के लिए ये जो है ना वाइट पर्ल्स का नेकलेस, लॉन्ग नेकलेस जो होता है, ये डाला था। और जो भी इंडिया से देख रहे होंगे उनको तो पता होगा कि काली पोत किसको कहते हैं, तो ये मंगलसूत्र जो होता है ये वो है। तो मैंने बस ये डाला था, और ज़्यादा कुछ हैवी नहीं डाला था, बस थोड़ा सा ऐसे ही डाल लिया था। अब बस यही था, मैंने बस एक लॉन्ग पर्ल्स का डाल लिया था और मंगलसूत्र, और साथ में फिर रिंग्स, तो आपको तो पता ही है नॉर्मल रिंग्स होते हैं, मैंने बस वही डाला था। और फिर यहाँ पर हम निकल गए, हाईवे पे थे हम जा रहे थे, क्योंकि आपको तो पता है कि 2.5 आवर्स का रास्ता है ये, तो बस इसी वजह से ना हमको निकलना था 11 बजे, लेकिन देर हो गई थी। यहाँ पे हम निकले 12:30 पे, और ये मेरी फ्रेंड है, मैं मेरी फ्रेंड के साथ हम जा रहे हैं। देखिए वेदर काफ़ी अच्छा था, एक्सपेक्टेड थी स्नो, लेकिन अभी नहीं है, इवनिंग में एक्सपेक्टेड थी, लेकिन अभी तो काफ़ी अच्छा है वेदर। हाईवे भी बहुत क्लियर है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ सर्दी तो है, सर्दी तो ऑब्वियसली रहेगी। और फिर यहाँ पहुँच गए हम पार्टी में, चलिए चलते हैं अंदर। हाँ थोड़ा नीचे कर दो। और यहाँ पे यही होता है कि डेकोरेशन भी सारा कुछ हमको करना पड़ता है, और फिर कुकिंग भी, लेकिन कुकिंग के लिए क्योंकि ये रहते हैं बिग सिटी में, तो इनको कोई मसला नहीं होता है, ये सारा कुछ फिर ऑर्डर दे सकते हैं, केटरिंग कर सकते हैं ना, केटरिंग के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन फिर भी जो थोड़े बहुत चीज़ें होते हैं, जैसा कि आप देख लें सैलेड हो गया, या फिर उसके अलावा नान होगी, वो तो हमें ही सर्व करना होता है। और है ये गिफ्ट्स का, और यहाँ पे देखिए कितने माशाल्लाह कितने सारे गिफ्ट्स आए हैं ना इनको। और यहाँ पे तो आपको पता है कि बच्चे कितने एक्साइटेड हो जाते हैं इतने सारे गिफ्ट्स को देख के। तो ये जो गर्ल है, इनकी थी बर्थडे पार्टी, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसको अभी खोलना था सारा कुछ गिफ्ट्स, तो ये फिर खोल चुकी थी ये गिफ्ट्स ना, देखने के लिए क्या है। उनका निकाल के फिर
और केक कटिंग के बाद खाना सर्व हो गया था और खाने में देखिए ज़बरदस्त सी चिकन बिरयानी थी और इसके साथ कढ़ाई चिकन था और भलीम थी, छोले थे, साथ में दही बड़े थे, बहुत सारी चीज़ें थे ना, बहुत यम्मी था खाना भी। और ये इन्होंने केटरिंग के लिए दिया था और बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, ज़बरदस्त था। और डेजर्ट में था केक और साथ में था ये यम्मी सा गाजर का हलवा। तो बस इसके बाद हम चले गए थे हस्बैंड को पिक करने के लिए और फिर हस्बैंड को वहाँ से पिक कर लिया और ये हम आ गए वापस घर। और मैंने वहाँ की वीडियोस नहीं लिए क्योंकि बहुत बिजी हो गए थे, मुझे वहाँ से एयरपोर्ट जाना था हस्बैंड को पिक करने के लिए, फिर टाइम नहीं था तो मैंने कोई कैप्चर नहीं किया। और यहाँ पे देखिए किड्स और बच्चे ना ये काफ़ी एक्साइटेड थे उनकी डैडी को देख के क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद 15 डेज, आई नो ज़्यादा टाइम नहीं है 15 डेज, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे अपने डैडी को ना। और यहाँ पे देखिए ये बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, मुझे पता नहीं कि आपके पास ये क्या कहते हैं लेकिन हमारे पास हैदराबाद में इसको सीताफल कहते हैं। तो ये बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी फ्रूट होता है, आप ज़रूर ट्राई करें अगर आपने अब तक ट्राई नहीं किया है तो। ये बच्चों की ख़ास तौर पे फरमाइश थी कि ये ज़रूर लेकर आएँ आप, तो ये हैदराबाद से आया है ये सीताफल जो होता है, इसे उर्दू में शरीफा कहते हैं। और ये बेर है, ये तो सबको पता होगा, बेर ये खटमिट होते हैं, मीठे भी होते हैं और अलग टाइप का इसका टेस्ट होता है, बहुत यम्मी से मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये आए हैं मेरी फरमाइश पे और सीताफल आए बच्चों की फरमाइश पे। और बस आज का वीडियो इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट टाइम। बाय। ईट हेल्दी, लिव हेल्दी एंड एंजॉय द लाइफ।